बहन, गुड इवनिंग। देख सकते हो बचे हुए चावल दोपहर का मैंने अभी फ्राई कर रखा है, अभी इसको खाएंगे, अभी डिनर भी बनाऊंगी। अभी आप सबको दिखाऊंगी, जो जो बनाऊंगी वो दिखाती हूँ आपको। सब्जी वाली चावल है, देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा है कलर, सारे सब्जी मिक्स कर रखा है। अच्छी तरह से फिर फ्राई करेंगे इसको, दिखाती हूँ आपको। मैंने फ्राई कर मैंने धो लिया अच्छी तरह से मच्छी, बिना कांटे वाले मच्छी आधी किलो लाई हूँ, क्योंकि कांटे वाले नहीं खा सकती हूँ, हर्षित है इसीलिए छोटा है अभी। तो इसके लिए हम फ्राई करने के लिए हम एक उसमें डाल देते हैं लौंगे में, और इसमें डाल देती हूँ नमक, थोड़ा सा हल्दी। सबसे पहले हम फ्राई करते हैं लाल मिर्ची, और इसको मिलाएंगे फिर फ्राई करते हैं। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब मछली को डाल देते हैं इसमें। फ्राई होने के लिए डाल देंगे, अंबानी मैंने फ्राई करके ऐसे इस तरह से फ्राई करते हैं। फिर इसके लिए मैंने तड़के के लिए मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पे, और उसी में तेल बचा हुआ है तो इसमें डाल दूंगी। देसी स्टाइल मछली बना रही हूँ, जैसे गांव घर में बनाते हैं गांव में देसी स्टाइल फ्राई करके, वैसे ही देहाती वाला बना रही हूँ, देसी स्टाइल फिश करी। तो इसके लिए मैंने प्याज काट रखा है छोटा छोटा, टमाटर काट रखा है छोटा छोटा, अदरक लहसुन की पेस्ट बना रखा है, आपको दिखाऊंगी डालते वक्त, बने रहो वीडियो में। तो हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें तेल भी मैंने ऐड कर दिया है, तो इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा जीरा, और जो मैंने अनियन चॉप किया था उसको डाल देती हूँ, छोटा छोटा काट रखा था बारीक बारीक। बिल्कुल देसी स्टाइल बनाएंगे, क्योंकि ठंड भी बहुत हो रहा है तो मछली गर्म होता है, इसको मिला देंगे। और अदरक लहसुन पेस्ट बना रही हूँ, मिर्ची भी, तो इसमें इसी में मैं मसाला ऐड कर देती हूँ आपके, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। इसमें लाल मिर्ची डाल दिया मैंने, हरी मिर्ची डाल रही तो कम डाल सकती हूँ। धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर, बस इसमें कुछ भी नहीं, थोड़ा सा मैं राई डालूँगी, या पीली सरसों, या ऐसे भी काला हो तो काला डाल सकते हो, देखो इसमें और टेस्टी होता है। अब इसको ग्राइंड कर देती हूँ, मिक्सी को चला देती हूँ। इधर हमारे प्याज भुने, और मैंने चावल भी फ्राई कर रखा है, दिन का बचा था, इस तरह से मैंने फ्राई करके रखा है। अभी सब करूँगी तब दिखाऊँगी। प्याज हमारा हो ही गया ब्राउन हल्का, तो इसमें डाल देती हूँ टमाटर, और साथ साथ नमक स्वाद अनुसार। अब इसको मिक्स कर देंगे, इसको पकाएंगे और इधर मैंने मसाला पीस लिया है, इसका कलर बहुत बढ़िया है। कभी कभी लाइट ऐसा होता है ना, लाइट दिख नहीं पाता है, थोड़े दरदरे पीसे हैं मैंने सारे मसाला मिक्स करके, ऐसे में और टेस्टी होता है ना। तो हमारे टमाटर जो गल गया है, ये देख सकते हो हमारे टमाटर गल गया है, तो हमने पीसी हुई जो मैंने सारे मसाला पीस कर दिया था ना, पीसा था, वो इसमें ऐड कर देती हूँ। तो अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक तेल नहीं छोड़ता है, जैसे गांव में सिलबट्टे में मसाला पीसते हैं, इस तरीके से बना रही हूँ, देख सकते हो खुशबू भी ऐसी आ रही है। इसको भुनेंगे अच्छी तरह से, इसमें थोड़ी सी मैंने पानी डाल दिया है ताकि और अच्छे तरह से बने।
इसको भून लेते हैं अच्छे से। ये देख सकते हो हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। क्या हो रहा है, धुआं से भर गया था कढ़ाई में, ढक्कन लगा रखा था ना कढ़ाई में, तो बहुत ही धुआं, बहुत ही प्यारा कलर लग गया, तेल छोड़ने लग गया है। तो हम इसमें डाल देते हैं पानी, ग्रेवी के हिसाब से अपने हिसाब से पानी डाल सकते हो। आज मुझे थोड़ा तरी वाली खानी है, वैसे मछली तरी वाली ही बहुत टेस्टी लगती है, ठंड के मौसम में तो सूखी ज़्यादा पीना चाहिए। तो इसमें थोड़ा और मैं पानी डाल के 10 से 5 मिनट तक पकाऊंगी, तब तक बने रहो। मैंने डाल दिया है, अब इसमें मछली डाल देती हूँ जो फ्राई कर रखा था, वो सारे मछली मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसमें 5 मिनट तक हम पकने देंगे तेज गैस में। देख सकते हो बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है, बड़ा ही सुंदर प्यारा कलर सा लग रहा है। अभी बने रहो, इसको 5 मिनट तक ठगा के पकाती हूँ ढक के। फाइनली हमारे डिनर बनके तैयार हो गया 9 बजे। ये देख सकते हैं क्या सब्जी है, पहाड़ की सब्जी है, बिच्छू घास की सब्जी, हरी हरी दिख रही है जो। इधर आलू मटर है, तो देख सकते हो हमारे मछली बनके तैयार हो गया, देख रहे हैं ना, लग रहा है ना मछली। और इधर रोटी और ये क्या कहते हैं, फ्राई किए हुए चावल। मत कर बेटा, अभी खाना खाएंगे, एक कटोरी खाली रह गया बेटा। देख हमारे फिश करी बनके तैयार हो गया है, यमी यमी खाएगा ना मेरे बेटा। फिश करी बनके तैयार हो गया है ना बेटा, जिसको भी खाना है वो है। तब तक के लिए हम डिनर एंजॉय करते हैं, गुड नाइट, बाय बाय। आज मेरे पति की मजे है, भले भले इतने अच्छे खाना, मौज है, दावत है, दावत।